हेलो क्लास, लास्ट क्लास लास्ट वीक में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 10C। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मेनी 5 मीटर इनटू 2 मीटर टाइल्स कैन कवर द फ्लोर शोन बिलो। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, इसमें बताना है हमें टाइल्स लगानी है। सपोज ये एक फ्लोर दिया गया है, फर्श, इस फर्श पर हमें टाइल्स लगानी है, तो बताना है हमें वो टाइल्स का जो शेप है 5 × 2, 5 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इज लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है। तो ये टाइल्स बताना है हमें, यहाँ जो फ्लोर दिया है इस फ्लोर पर कितनी टाइल्स लगेगी। और हमें यहाँ फ्लोर का साइज दिया गया है 6 मीटर 30 मीटर। ठीक है, 6 मीटर 30 मीटर। तो आइए इसे हम करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ शेप क्या दिया गया है, रेक्टेंगल शेप का है, तो इसमें हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, जब हमें एरिया पता होगा तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला रेक्टेंगल का लगाया है। एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, इसमें हम लेंथ ले रहे हैं 30 मीटर और ब्रेथ है हमारा 6 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 180 मीटर और स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये फ्लोर है, फ्लोर का जो एरिया है कितना है, 180 स्क्वायर मीटर है। लेकिन जो हमें टाइल्स दिया है, टाइल्स का जो एरिया है वो कितना है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल्स। टाइल्स का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ 5 मीटर × 2 मीटर, 5 × 2 = 10 स्क्वायर मीटर। तो एक टाइल्स का एरिया है 10 स्क्वायर मीटर और ये फ्लोर का है हमारे पास 180 स्क्वायर मीटर। तो बताना है हमें इसमें कि कितनी टाइल्स यहाँ लगेगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, जब एक टाइल्स का हमने यहाँ सिर्फ एक टाइल्स निकाली है, तो यहाँ पे हमें बताना टोटल एरिया 180 स्क्वायर मीटर है, तो टोटल कितनी टाइल्स यहाँ लगेगी। तो इसके लिए एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन इसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स के साथ। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर दिया है 180 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर मीटर। 180 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 80। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 80। तो टोटल कितनी टाइल्स यहाँ पे इस फ्लोर पे लगेगी, 18 टाइल्स। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो भी आप लोगों को खुद से करना है। इसमें एरिया ऑफ जो टाइल्स है वो आप लोगों का फाइंड किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्लोर का एरिया निकालना है, उसके बाद उस फ्लोर के एरिया में से आपको इस टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देना है। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप। कंपाउंड शेप, व्हाट इज कंपाउंड शेप? कंपाउंड शेप मीन्स यहाँ पे टू और मोर देन टू शेप्स जो मिल के एक फिगर बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड शेप। और देखिए जैसे हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कितने कितने फिगर मिल के बना हुआ है, अगर हम देखेंगे तो इसमें टू फिगर बने हैं। ठीक है, ये वन एंड ये टू। क्लियर? तो यहाँ पे टू है तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड द एरिया। तो हमने यहाँ पे देखिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब देखिए पहले हम इसके साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये होगी लेंथ, ये होगी हमारी ब्रेथ। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्ट एंगल वन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर और ब्रेथ
नाउ फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैकेट फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें देखिए इसकी लेंथ 1 मीटर और 2 मीटर, लेंथ 1 मीटर और ब्रेथ हो गई हमारे पास 2 मीटर, 1 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 2 इंच 2 स्क्वायर मीटर। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर ये दोनों हमने फाइंड कर लिया है। फाइंड एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप, अब हमें क्या कहा गया है इसमें कंपाउंड शेप, जो यहाँ पे कंपाउंड शेप दिया गया है इस पूरे का हमें एरिया बताना है। तो इस पूरे के एरिया का क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड, क्योंकि हमने ये दोनों शेप अलग अलग ले लिए थे ना, क्योंकि अगर एक में होता तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाते। इसलिए हमने दोनों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि दोनों के हमने एरिया निकाल लिए है, कि दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, इसका एरिया आया है 10 स्क्वायर मीटर प्लस 2 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। सो एरिया ऑफ कंपाउंड कितना हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर। क्लियर? इस तरह से देखा आपको क्वेश्चन नंबर बी भी करना है। क्वेश्चन नंबर बी आप लोगों को